हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सर्दियों वाले लड्डू लेके आए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम इंडक्शन ऑन करेंगे और एक स्पून घी डालेंगे। इसके लिए पहले पंपकिन सीड भूनेंगे घी में, यानी कि कद्दू के बीज। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। लो फ्लेम पे और इसी के साथ खरबूज के बीज डालेंगे। ये दोनों भून लेंगे अच्छे से। सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद ये लड्डू हैं। सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, इन सब में लाभदायक है ये लड्डू। आप एक डेली रोज खा लें तो गारंटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीज हमारे भुन गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी में और घी डाल देंगे। घी तो लगना ही है क्योंकि घी में भूने जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम, इनको भी रोस्ट करेंगे। इसको इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। सब इसी में मिक्स करते जाएंगे। और इसी घी में हम काजू रोस्ट कर लेंगे। ये सब चीजें बहुत ही पौष्टिक हैं, ये आपको ताकत देगी। ये दिन में एक बार खा लें, पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी आपके शरीर में, सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, इन सब से मुक्त रहोगे। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, काजू भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और इसी में हम डालते हैं किशमिश, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं।
ये सब चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरीके से हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। किसमें से हमारी फूल जाएगी रोस्ट होकर। किशमिश को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए घी भी खत्म हो गया और किशमिश भी हमारी रोस्ट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पून घी और घी भी जरूरी है अपनी सेहत के लिए। और इसमें डालेंगे गोंद। गोंद छोटा छोटा है लेकिन अच्छा है और ये फूलेगा भी। ये बहुत सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए इसको भी भून लेते हैं। ये भून के वैसे भी एकदम फूल जाएगा। ये हरीरा बनाइए चाहे गोंद के लड्डू बनाइए सब में पड़ता है। बहुत ही ताकतवर होता है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। एकदम साबुदाना एक तरह लग रहा है। छोटा छोटा है फूल कर एकदम साबुदाना एक तरह लग रहा है। निकाल लेते हैं। हम गोंद को निकाल ले। घी डालेंगे एक स्पून। अब हम रोस्ट करेंगे नारियल पिसा हुआ। इसमें घी कम पड़ा है क्योंकि घी वैसे भी नारियल से निकलता है। पहले घी छूटेगा इसमें। इस तरीके से लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड नारियल भी रोस्ट हो चुका है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। इसी में सबको मिक्स कर देंगे और इसको पीस लेंगे। अब हम लड्डू के लिए मखाने रोस्ट करेंगे। इसी में मखाने रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें लड्डू गुड़ के बनाएं या चीनी के बनाएं। इस लड्डू को हम गुड़ में बनाएंगे। इस गुड़ से बहुत ही फायदेमंद होता है और शरीर में गर्मी भी देता है।
ये भुन के एकदम क्रंची हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये भी रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें आटा भूनेंगे। इसके लिए घी डालेंगे, घी ज्यादा ही मात्रा में चाहिए, घी भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें आटा डाल देते हैं, एक बॉल आटा, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम पे, जब तक ब्राउन ना हो जाए और खूब अच्छे से खुशबू ना आ जाए भुनने की, तब तक भूनेंगे इसे हम। क्योंकि इसमें सारी मेवा मिक्स है, इस तरीके से भूनेंगे इसे। पॉट ये भी इसी मिला देते हैं, ये भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। ये पहले ही हमने रोस्ट कर ली थी, तो लड्डू का आटा बुन चुका है। अब हम इंडक्शन ऑफ करते हुए इसे ठंडा होने के इंतजार करते हैं। पीस लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मिलाने के लिए छोड़ देते हैं ऊपरी, और थोड़ी डालते हैं मखाने। और इन सबको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने पीस लिया है, एकदम महीन, एकदम महीन बारीक पीसा है हमने। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। पहले हम बुने हुए आटे को बॉल में कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी चाशनी बनाने के लिए। और इसमें डालेंगे आधा केजी गुड़, इसको मेल्ट होने देते हैं। इसकी चाशनी बनने के बाद में इसको छान देंगे, इसका तार नहीं बनने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी तैयार हो चुकी है।
तो देखिए फ्रेंड, चाशनी बन गई है, इसका तार नहीं बनने दिया है। देखिए ऐसे ही चाशनी चलेगी, इसमें तार नहीं बनने देंगे। अब इंडक्शन को ऑफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी को इस तरीके से हम छान लेंगे, जो भी कुछ होगा गंदगी वो इसमें छन जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इस तरीके से, ताकि गांठें ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड, पिसा हुआ मावा भी इसमें मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये बचाई हुई मेवा भी सारी डाल देते हैं इसमें। इसको भी मिला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये ठंडा हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बना देते हैं। इस तरीके से थोड़ा पानी लगाएंगे हाथ में, इस तरीके से, ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये लड्डू बन नहीं पाएंगे। सर्दियों में आप एक एक डेली लड्डू खा लें। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम लड्डू बना लेंगे, और डेकोरेट के लिए इसमें एक एक काजू लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए ये, देखिए इस तरीके से काजू लगा देंगे। ऐसे हम सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड, आटे के सर्दियों वाले लड्डू तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।